स्वागत करती हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा हटकर है, वो है हमारी श्रद्धा और आस्था के ऊपर, कैसा होगा श्री राम मंदिर। तो बहुत लंबे समय से राम मंदिर पर विवाद चल रहा था, तो अब श्री राम मंदिर पर शिलान्यास होने जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका शिलान्यास करेंगे, तो इसके बारे में डिटेल से आज हमें बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं पल पल के प्रधान संपादक मिस्टर सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, सबसे पहले जनता के मन में ये क्वेश्चन है कि कई लोगों को ये नहीं पता है कि कितने लंबे समय से ये विवाद चल रहा था श्री राम मंदिर को लेकर, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कितने लंबे समय तक ये विवाद चलता रहा। सबसे पहली बात, श्री राम जो हैं ना केवल हिंदुओं की बल्कि पूरे भारतवर्ष के सभी निवासियों की आस्था का केंद्र हैं, और भारत से अगर हम बाहर निकलें तो बहुत कम लोग जानते होंगे, लगभग 1 दर्जन से अधिक जो देश हैं वहाँ रामलीला का मंचन होता है, वहाँ रामायण का ना केवल मंचन होता है बल्कि भगवान राम आस्था का केंद्र है। उसकी भी हम बाद में उल्लेख करेंगे, लेकिन आपको दर्शकों को ये बता दूं, राम मंदिर का जो विवाद है वो 491, 500 वर्षों में केवल 9 वर्ष कम, 491 वर्षों बाद राम मंदिर का विवाद सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से समाप्त हुआ है। वो कब यह विवाद हुआ था? क्योंकि श्री राम का जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ, सब जानते थे, लेकिन हमारे देश में एक कोर्ट के निर्णय की वजह से, एक विवाद की वजह से यह हमारा जो आस्था का केंद्र है, देश की आज़ादी के 73 वर्षों बाद भी ये राम मंदिर नहीं बन पाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और अब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका पहली ईंट, चांदी की ईंट रखेंगे, इसका भूमि पूजन करेंगे और राम मंदिर का निर्माण आरंभ होगा। बाबर आया 1529 में इस देश में एक हमलावर के रूप में, उन्होंने अयोध्या में, उस हमलावर बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को गिराया और वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसको बाबरी मस्जिद का एक ढांचा जो है, क्योंकि मुसलमानों की आस्था में भी ये माना जाता है जहाँ लंबे समय से नमाज ना हो और अगर वो किसी अन्य स्थान पर बना है तो उसको वो नहीं मानते थे अपनी आस्था का केंद्र, लेकिन हमारा देश क्योंकि धर्म निरपेक्ष देश है, कुछ ताकतों ने इसका विरोध किया और अब ये मंदिर बनने जा रहा है जो बड़ा भव्य मंदिर होगा, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे ही दी है राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो ये राम मंदिर लगभग कितने घन फीट में तैयार होगा और कितना भव्य होगा, सभी के मन में ये एक्साइटमेंट है कि कैसा तैयार होगा ये? ऐसा है, हम अपने दर्शकों को बता दें, 1988 में पहली बार जब राम जन्मभूमि का आंदोलन जो आरंभ हुआ था तो तब इसका एक नक्शा बनाया गया था, लेकिन उस नक्शे में अब तब्दीली की गई है और इसमें पिछले लगभग 30 वर्षों से पत्थर की खुदाई का काम, वहाँ पे एक श्री राम मंदिर की कार्यशाला बनाई गई जहाँ पत्थर को तराशने का काम पिछले 30 वर्षों से चल रहा था और इसकी 2 मंजिलों का जो पत्थर है लगभग वो तैयार है। और ऐसा माना जाता है कि 5 अगस्त को अगर जैसा कि शिलान्यास हो जाएगा, भूमि पूजन हो जाएगा, तो ये 67 एकड़ में भव्य मंदिर बनेगा और इसकी लंबाई चौड़ाई में थोड़े से कुछ जो है अभी अंतिम मौके पे इसमें कुछ तब्दीली की गई है, क्योंकि 1988 में एक कल्पना थी और वो कल्पना जब ज़मीन पर उतर रही है तो अब उसमें फिर अभी श्री राम मंदिर जो ट्रस्ट है, न्यास है, राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट जो बनाया गया है भारत की संसद द्वारा, तो उसमें इसका जो डिज़ाइन जो बनाया गया है, पहले जहाँ इसकी जो लंबाई थी
उसमें तब्दीली की गई है, इसकी ऊंचाई में तब्दीली की गई है। पहले 141 फुट ऊंचे बनना था, अब 161 फीट ऊंचा ये जो है मंदिर बनेगा। पहले इसकी चौड़ाई 140 फीट थी, अब 235 फीट है, और पहले इसकी लंबाई 268 फीट थी और अब 318 फीट जो है ये लंबा जो है मंदिर बनेगा, एक भव्य मंदिर बनेगा। और इसमें अभी जितने भी पत्थरों को तराशा गया है, अब भी इसमें 3 लाख घनफुट पत्थर और ज़रूरत होगी, और ऐसा माना जाता है कि 3 वर्षों में यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और इसकी भव्यता में ये जो है भारत में, ना केवल भारत में बल्कि विश्व में ये बड़ा भव्य मंदिर होगा। तो सर कितने लगभग इंडिया में पूरे कितने श्री राम मंदिर हैं ऐसे जिनका मतलब भव्य निर्माण हो चुका है अब तक? नहीं, ऐसा है, श्री राम मंदिर चाहे हमारे यहाँ देश में लाखों मंदिर हैं, लेकिन अगर भव्य मंदिरों में ले तो ये भारत का दूसरा भव्य मंदिर होगा। एक दक्षिण भारत में लगभग 100 एकड़ से अधिक का एक मंदिर है, लेकिन कंबोडिया में, जो हमारे देश से हजारों मील दूर एक देश है कंबोडिया, वहाँ श्री राम का एक मंदिर है जो हजारों साल पहले बना था, और वो मंदिर 400 एकड़ में फैला हुआ है। जो दक्षिण भारत का जो मंदिर है वो 100 से कुछ अधिक एकड़ में फैला हुआ है। ये तीसरा विश्व का श्री राम मंदिर होगा जो 67 एकड़ में होगा। उदाहरण के तौर पे हम वैसे तुलना किसी की एक मंदिर से, आस्था के केंद्र से दूसरे की नहीं करनी चाहिए, लेकिन एकड़ की माने तो दिल्ली का अक्षरधाम बड़ा भव्य मंदिर है, वो 60 एकड़ में है, और यह राम मंदिर जो है वो 67 एकड़ में बनने जा रहा है। और इसके लिए बाकायदा तौर पे एक विशेष भारतीय कला के अनुसार से ये मंदिर बनेगा। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, श्री राम की जन्मभूमि पर विवाद चल रहा था, लेकिन श्री राम के नाम पर इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 20-22 करोड़ का देश है, लेकिन वहाँ पे रामलीला का मंचन होता है। थाईलैंड के राजा ने 1329 में अपना नाम राम रख लिया और अपनी राजधानी का नाम अयोध्या रख लिया। सौभाग्य से मुझे 1985 में उस जगह पे जाने का मौका मिला जो बैंकॉक से 70 किलोमीटर दूर है, और अयोध्या राजधानी का नाम था, वहाँ भी भव्य मंदिर बने हुए हैं। इसी प्रकार कंबोडिया का मैंने पहले उल्लेख किया है, श्रीलंका में जहाँ आज भी श्रीलंका की सरकार ये कहती है भी हमारे यहाँ पे रावण हुए थे, श्री राम आए थे, और इसी प्रकार रामेश्वरम से जब श्रीलंका में राम जी गए थे और वहाँ राम सेतु, आज भी समुंदर में राम सेतु के नाम से एक सेतु बना हुआ है जहाँ से वानर सेना ने चढ़ाई की थी श्रीलंका पे, तो एक समय ऐसा भी आया था कुछ लोगों ने राम के जो अस्तित्व को मिथ्या बता दिया था, लेकिन करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो श्री राम में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान से लेके कंबोडिया तक लगभग 1 दर्जन से अधिक देश ऐसे हैं जहां राम को माना जाता है, अपना पूर्वज माना जाता है। श्रीलंका ने तो बकायदा तौर पे एक अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए श्री राम के कहां कहां श्री राम गए थे उन स्थानों को चिन्हित किया। वहीं थाईलैंड का जो एयरपोर्ट है उसका नाम स्वर्ण भूमि के नाम पे रखा गया उसका, जैसे अयोध्या का मैंने जिक्र किया। इसी प्रकार मुस्लिम कंट्री होते हुए इंडोनेशिया जो है, वहाँ पे इंडोनेशिया के रुपए पे गणेश जी की फोटो है, कृष्ण जी हैं जो उपदेश देते हुए वहाँ, उनका जो मुख्य चौराया है हवाई अड्डे से, अगर जकार्ता उनकी राजधानी से बाहर निकलते ही पहले चौराहे पे कृष्ण जी उपदेश देते हुए मिलते हैं। तो ऐसे जो है हमारा एक ऐसा देश था जहाँ पे इसका विवाद चल रहा था, और इस विवाद का पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अगले 3 वर्षों में होगा, और जिस ढंग की प्लानिंग अयोध्या में चल रही है, एक अयोध्या को नया रूप दिया जाएगा जो भारतीय संस्कृति को संजोकर और भारत के लोगों को एक श्री राम के बारे में एक नई चीज़ों की जानकारी मिलेगी। 67 एकड़ में मंदिर, तो मुख्य मंदिर लगभग 3-4 एकड़ में होगा,
लेकिन 67 एकड़ में अनेक चीजें बनेगी, लाइब्रेरी बनेगी, कुछ और चीजें बनेगी, धर्मशालाएं बनेगी, तो पूरा एक कैंपस 67 एकड़ में ये बनने जा रहा है। धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों के मन में काफी सवाल थे कि श्री राम मंदिर को लेकर कि कितना लंबे समय तक इसका विवाद चला, इसका निर्माण कैसे होगा, जो कि आपने बहुत सुंदर तरीके से उसके जवाब दिए। धन्यवाद। नमस्कार जी।